मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। तापमान हर रोज बढ़ता जा रहा है और प्रदेश के कई जिलों में लोग गर्मी से परेशान हैं। रविवार को दतिया प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जबकि भिंड का तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में जो है सर्वाधिक तीव्र लू का प्रभाव जो है दतिया में रहा, जहां पे टेम्परेचर 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उसी के साथ जो है ग्वालियर तथा रतलाम में जो है लू का प्रभाव रहा, वहां पे जो है टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ जो है बाकी शहरों में जो है तापमान जो है 40 से 43 44 तक के टेम्परेचर दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। इंदौर, भोपाल, गुना, नौगांव, ग्वालियर, मुरैना, जबलपुर और उज्जैन जैसे शहरों में भी तापमान 40 डिग्री के पार है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के कई जिले में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। वहीं कुछ जिले में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिरे हैं। पर लू का प्रभाव जो है और तीव्र हो रहा है और बढ़ गया है। अब नॉर्थ मध्य प्रदेश के जो है मैक्सिमम जिले और मुख्यतः जो है तीव्र लू की जो ग्वालियर, दतिया, भिंड और निवाड़ी में आप तीव्र लू देख सकते हैं। रेड हमने अलर्ट दिया हुआ है, बाकी जगह येलो अलर्ट भी दिया है नॉर्थ एमपी में, और वेस्ट एमपी के कुछ जिले हैं वहाँ पे भी तीव्र लू की संभावना है। इसके साथ ही जो है आने वाले तीसरा दिन जो है 21 तारीख जो है वहाँ पे रेनफॉल एकदम क्लियर हो गया, सिस्टम क्लियर होने की वजह से, और पूरे प्रदेश में जो है नॉर्थ साइड और वेस्ट साइड और साउथ वेस्ट साइड में जो है लू की संभावना बनी रहे। सबसे अधिक तापमान की बात करें तो रविवार को दतिया 47.5 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। भिंड का तापमान 46 डिग्री रहा। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, टीकमगढ़, रतलाम, धार, शिवपुरी, खरगोन, दमोह, सतना, रायसेन, खंडवा, सागर, गुना, मुरैना, नौगांव, उज्जैन, जबलपुर में भी तापमान 40 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग ने 23 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी किया है और लोगों को लू से बचने की चेतावनी दी है। यहाँ पे हमने जो है हीट वेव का पूर्वानुमान दिया है। हीट वेव जो है ग्वालियर संभाग और ग्वालियर और भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, राजगढ़ तथा मंदसौर, रतलाम और नीमच और निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में आने वाले 24 घंटे में होने की संभावना है। मुरैना, बैतूल, उत्तरी दमोह, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना और सिवनी में मध्यम धूल और तूफान के साथ बिजली और ओलावृष्टि दर्ज की गई है। आने वाले समय में हवा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। इसी के साथ ही जो है 20 तारीख को आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैक्सिमम क्लियर हो गया है। सिर्फ साउथ के कुछ जिले जो है साउथ मध्य प्रदेश के, जैसे कि बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांडुर्ना, यहाँ पे जो है हल्की वर्षा होने की संभावना है। जैसे कि आप अभी इस सैटेलाइट पिक्चर में देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट यूपी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके साथ ही जो है दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है ईस्ट यूपी में बना हुआ है, जिससे कि एक ट्रफ लाइन जो है जा रही है अपना मध्य महाराष्ट्र तक, जो कि मध्य प्रदेश से होते हुए जा रही है। इसकी वजह से जो है मध्य प्रदेश में जो है हल्की वर्षा जो है पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ संभागों के जिलों में जो है अपने को देखने को मिल रही है। अभी आने वाले जो है 24 घंटे और 48 घंटे का जो है अपन तापमान जो फोरकास्ट जो है इस मैप के द्वारा देख सकते हैं। जैसे आने वाले 24 घंटे में 19 तारीख को जो है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि पूरी पूर्वी मध्य प्रदेश में कंप्लीट जो है अच्छा रेनफॉल होने की संभावना हमने दर्ज मीन्स पूर्वानुमान किया है। उसके साथ ही जो है पूर्वी मध्य प्रदेश के जो मैक्सिमम जो है डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे जो है गरज चमक के साथ छींटे कहीं कहीं गिर सकते हैं, कहीं तेज हवाओं का झोंका भी देखा जा सकता है। श्योपुर कला, शिवपुरी, ग्वालियर में हल्की आंधी की संभावनाएं हैं। दक्षिण भिंड, दतिया, रतनगढ़, नीमच, मंदसौर, विदिशा, उज्जैन, देवास, इंदौर, अनूपपुर और सागर जिलों में हल्की आंधी चल सकती है। सिंगरौली में बिजली के साथ मध्यम गरज और बौछार पड़ने की संभावना है। मध्य रात्रि में छतरपुर, खजुराहो, गुना, शिवपुरी, श्योपुर कला, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, दमोह, बैतूल, पन्ना और डिंडोरी जिलों में बिजली के साथ हल्की आंधी आ सकती है। इस भीषण गर्मी और बदलते मौसम से सावधान रहें, हाइड्रेट रहें और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। लोकल 18 के लिए भोपाल से रितिका तिवारी की रिपोर्ट।